नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था, हम आपको मथुरा वृंदावन के दर्शन कराएंगे। तो हम आ चुके हैं गोवर्धन परिक्रमा के मार्ग पर। तो आज एकादशी का दिन है, तो इसी कारण यहाँ पर जाम लगा हुआ है बहुत, और यह जाम है 7 किलोमीटर लगभग। तो हम पहले ही चढ़ चुके हैं, तो परिक्रमा हमारी जो होगी वो तो 21 किलोमीटर की होगी, लेकिन उसमें आप 7 किलोमीटर और ऐड कर दीजिए, तो हम चलेंगे आज पूरा टोटल 28 किलोमीटर। तो हम अब आपको गोवर्धन परिक्रमा के मार्ग पर जहाँ से परिक्रमा उठाते हैं वहाँ पर आपको लेके चलते हैं और आपको रास्ते के सभी चीज़ों का दर्शन कराते हैं। आप देखिए किस तरह यहाँ पर भीड़, कितनी ही ज़्यादा भीड़ आ रही है, अलग अलग स्टेट से यहाँ पर भक्त आए हुए हैं परिक्रमा करने के लिए। एकमात्र कारण आज का एकादशी का दिन, आप देख सकते हैं बस कितनी भीड़ है इसके अंदर। नहीं नहीं, आप अवॉइड कुछ ना करें, आप आइए, भक्ति का भाव है। जब तक भीड़ नहीं होगी परमात्मा के मंदिर में तो आनंद किस चीज़ का। आप आइए और भरपूर आनंद उठाइए। ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलने का सोचिए। पानी की ज़्यादा अति महत्वपूर्णता है, पानी अपने पास हमेशा सही मात्रा में रखिए, क्योंकि यहाँ पानी उपलब्ध नहीं है आसानी से। वैसे परिक्रमा तो 84 कोसों की भी होती है, लेकिन हम केवल 7 कोस की करेंगे, 21 किलोमीटर यानी। ये है परिक्रमा मार्ग। जय हो, राधे राधे, जय हो गिरिराज महाराज। आप देख सकते हैं भीड़, कितनी भीड़। बहुत लंबा जाम है, 7-8 किलोमीटर का, फिर 21 किलोमीटर की परिक्रमा। हजारों की संख्या में सैलाब यहाँ पर आया हुआ है, दूर तक के लिए जाम ही जाम। जिन्होंने एसी चला रखी है चलेंगे तो आराम है। दोस्तों देख सकते हो आप, इतना विशाल जन सैलाब आपने शायद ही कभी किसी मंदिर या स्थल पर देखा होगा। जैसा आप, क्या हुआ, ठंडी नहीं है ऐसी है, पर जो बाहर से ले आना, इसमें क्या था ले आ भाई। Thank you.
दुकान दिखे ना तो देख लियो भाई, रोक लियो बिना चप्पल के, सिस्टम बिगड़ जाएगा। फ्रेंड्स से नाले। दोस्तों आप देख रहे होंगे कितना विशाल जन सैलाब है, इतनी भीषण भीड़ मैंने अपने इतिहास में कभी नहीं देखी जितनी आज गोवर्धन परिक्रमा के मार्ग पर देख रहा हूँ। देखिए आप भी देख सकते हैं, आगे तक भीड़ है, आगे तक मंदिर तक इतनी भीड़ है और पीछे भी बहुत भीड़ है। यह है केवल एकमात्र एकादशी का दिवस, इसी कारण से यहाँ पर इतनी भीड़ है। ये गिरिराज जी महाराज का मंदिर आपको दिख रहा होगा, यहीं से बड़ी परिक्रमा प्रारंभ होती है। आप देख रहे होंगे विशाल जनसमूह अथा लाखों की संख्या में भक्तगण यहाँ पर परिक्रमा देने के लिए। राजीव महाराज की जय। दोस्तों सुबह हो चुकी है और हमारी परिक्रमा हो चुकी है समाप्त।
अब हम पहुंच चुके हैं ठाकुर श्री गिरिराज जी महाराज के दर्शन के लिए। तो हम अंदर जाएंगे, इनके ऊपर बीच चढ़ाएंगे और फिर प्रस्थान करेंगे अपने रूम के लिए जो कि है बथरा में। तो आपको हम दिखाते हैं वहाँ के मधुबन प्रेम मंदिर इस्कॉन टेम्पल के दर्शन। तो आप हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल।